नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। उज्जैन में टोटल लॉकडाउन होने का असर शादी विवाह पर सबसे ज्यादा हुआ है। यहां कई लोगों ने तो शादी का आयोजन निरस्त कर आगे तारीख तय कर ली है, तो वहीं कई लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए रस्में निभा रहे हैं। यहां रुपेश तिवारी की बहन की शादी है और बारात इंदौर से आई है। बारात में दूल्हे सहित 5 लोग आए हैं। दरअसल इससे पहले यहां लड़की वालों ने होटल, बैंड, बाजा, कैटरर सहित शादी के सभी आवश्यकता कार्य पहले से ही बुक करा रखे थे, परंतु अचानक सभी बुकिंग कैंसिल कर नियम कायदों में शादी समारोह संपन्न किया। भैया बताइए, आज आपकी शादी है, आप कैसे शादी चाहते हो, किस तरह से शादी हुई आज आपकी? शादी का तो हमने बहुत अच्छा प्लान करा था, पर कोविड लॉकडाउन की वजह से फिर हमने घर में सब अरेंजमेंट करें। हम इंदौर से बारात लेके आए थे, उसमें 4 जने थे और अभी हमने घर में फिर सबने मिलके यहाँ पर शादी संपन्न की। क्या मानते हैं आपके चुनाव में इतनी भीड़ लग रही है, शादी पे रोक लगा रखी, तो आपका क्या कहना है? वो सरकार का निर्णय, उसमें मेरा व्यक्तिगत कोई वो नहीं है। क्या क्या सोचा था आपने शादी में, आप क्या करेंगे? आपने जो सब सोचते हैं वो हमने भी सोचा था, पर ठीक है, लॉकडाउन की वजह से जो भी अपनी कंडीशन बनी है उसके हिसाब से ठीक है। क्या नाम लिखा? अमन शर्मा। बताइए किस तरह से शादी हुई? शादी तो हम लोग बहुत कम लोगों में कर रहे हैं, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, नहीं तो शादी तो हम लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर करने को, और बहुत सारी प्लानिंग थी, सब कुछ पहले हो गई, अचानक से सरकार ने लॉकडाउन लगवा दिया, सारी व्यवस्था बिगड़ गई। हम सिर्फ घर ही घर के लोग 10 जने मिलकर शादी कर रहे हैं। किस प्रकार के अरमान थे आपके? मेरा लेडीज संगीत वगैरह सब कुछ, कुछ भी कार्यक्रम नहीं हो पाया, हमने बहुत सूक्ष्म में काम करा है, सिर्फ 10 जने थे, हमने 10 जनों में ही पूरी शादी करी है। आपको कोई ऐसे व्यक्ति जिसको आप बुलाना चाहते? मेरे सहेली वगैरह नहीं आ पाए, घर के बहुत सारे गेस्ट नहीं आ पाए, जो दूर दूर से रहते थे वो लोग नहीं आ पाए, बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, जो हमारे खुद के फैमिली के थे वो नहीं आ पाए। अगर जैसे ये लॉकडाउन में होता तो आप करीबन कितने व्यक्ति का कार्यक्रम करते? 2000 प्लस व्यक्ति आते अगर ये लॉकडाउन नहीं होता और नॉर्मल अगर शादी होती तो। क्या नाम आपका? आयुषी तिवारी।